अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में 500 वर्षों का जो संघर्ष है, जो 1992 और 90 में जो घटना हुई थी, हमारे साथ महाराज जी हैं जो आज उनको राम मंदिर में जो आंदोलन में शामिल हुए थे, स्वामी ओंकारानंद जी, सरस्वती जी, आज वो उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से वो 92 और 90 की क्या घटना थी। महाराज जी बताइए। देखिए, 90 की घटना हम सब लोग, ये निर्णय था अपने लोगों का कि हम इस तारीख को भगवान राम का दर्शन करेंगे, भजन पूजन करेंगे और उन्हीं से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आप इतना शक्ति दें और अन्य लोगों को इतनी बुद्धि दें, यह राम जन्मभूमि भगवान राम की है, इसे स्वतंत्र कर दी जाए, हिंदुओं को, राम भक्तों को दे दी जाए, वो अपने वैदिक परंपरा के अनुसार, अपने यानी सिद्धांतों के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार जो है अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करें पाए। और उसी में हम लोग 90 में आए थे 30 तारीख को, और ये हुआ कि भगवा ध्वज लगाया जाए, क्योंकि हमें विश्वास है, हमारे पास प्रमाण था सारा, जनमानस के भी प्रमाण थे, शास्त्रों के भी प्रमाण थे और अन्य भी ऐतिहासिक प्रमाण था, बहुत सारे प्रमाण अपने पास थे, भौगोलिक प्रमाण था, ये भगवान राम की जन्मभूमि यही है और यहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है और हमारे लोगों ने नए नए मकान बना लिए हैं, भगवान की कृपा से उतनी शक्ति मिली तो हमें प्रभु राम का मंदिर भी नवनूतन बनाना चाहिए। और इसी सिद्धांत को लेकर के हम लोग सरयुज में स्नान किए और राम जी का भजन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, इस तरह का महामंत्र का जयकारा लगाते हुए पहुंचे। और रास्ते में पहले तो लाठी चार्ज हुआ, खूब लाठियां बरसाई गई, खूब ऐसे पीटा गया कि क्या बताएं, कोई भैंस को भी यानी कोई जानवर को भी नहीं पीट सकता, पूरा जैसे दीवार पर कोई पीट रहा। और उसके बाद फिर गोलियां भी चलाई गई और बहुत सारे राम भक्त जो है गिरते रहे। उसके बाद हमारी जो हमें भी चोट लगी, घायल हुए, हमारे भी गोली लगी, लेकिन फिर हम जब आंख खुली तो हम अपने को अस्पताल में पाए फैजाबाद। और उसके 2-3 दिन के बाद माननीय अडवाणी जी आए, मोदी जी भी साथ रहे और लोग थे हम लोगों को देखने के लिए, फिर वो ले आए हमको यहाँ और पूछे कि आगे क्या मन में आ रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो हनुमान जी ने स्वप्न में, हनुमान जी गदा लेकर के आए थे, राम भक्तो किसी को कुछ नहीं होगा, सब लोग हॉस्पिटल में जितने हैं सब ठीक हो जाएंगे और राम का मंदिर बनेगा और हम बनाएंगे, हम शक्ति देंगे, हम ताकत देंगे। तो इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास था भगवान हनुमान जी की वाणी पर, जो उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा, विजय होगी। और अपने सिद्धांत पर, क्योंकि सत्य में वो जयते, हम सत्य पर थे, हम जो है अपने शास्त्रीय परंपरा के अनुसार प्रमाण हम लोगों के पास सब है कि भगवान राम की वो जन्मभूमि है, इसलिए सत्य में जयते, एक दिन विजय होगी जरूर और आज विजय हुई है। महाराज जी, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर रामलला अपने विराजमान हो रहे हैं, कैसी खुशी अनुभूति आपको प्राप्त हो रही है? बहुत ही, इतनी खुशी है कि पिछला जितना भी जो कुछ भी हुआ था हमारे साथ, हम सब भूल गए, याद ही नहीं रह गया है कि कैसे 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 क्या घटना हुई। इस खुशी में बस एक ही चीज है, शास्त्र की वाणी, हमें शास्त्र की जो वाणी है युग परिवर्तन की, वह हमें याद है कि जब भगवान राम का प्राकट होना हुआ तो कुबेर जी आकर के सारी नगरी को फिर से सजा दिए, अयोध्यापुरी को। आज उसी तरह से सारी नगरी सज रही है, धज रही है, सब नव नूतन हो रहा, भगवान राम के मंदिर के साथ साथ यहाँ सब कुछ नया नया सारी चीजें हो रही हैं, जीर्ण शीर्ण जो हो गए हैं हटाए गए हैं। इसलिए हमें पूरा पूरा विश्वास है कि कलयुग जा रहा है, धर्म युग आ रहा है। और जब धर्म युग आएगा, भगवान राम विराजित हो गए, तो अगर जो लोग भी अत्याचार और अनीति छोड़ करके जो भगवान राम की शरण में आकर के धर्म के अनुसार, संविधान के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के अनुसार जीवन में सदाचरण का पालन करेंगे, तो उनके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महाराज जी, जो आपको निरंतर मिला है, आपने आंदोलन भी देखा जी, तो किस तरीके से आप मानते हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो आपको निरंतर मिला हुआ है कि कितनी अनुभूति हुई रही कि जो आंदोलन के बाद आपने इस निमंत्रण को मिला है, क्या बहुत ही अनुभूति होती है।
जैसे हमारे देश के किसी घायल सिपाही को और विजय होने का भगवा ध्वज लहराने का उसको संदेश मिल जाए और वह आंख से अपने देख ले ध्वज लहराने के लिए जिसके लिए वह सर्वस्व न्यौछावर करके आया था, वही खुशी आज हम हमारे सभी राम भक्तों को है। यह खुशी शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। महाराज जी ये थे तो कह रहे थे कि शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। ओमकार नाम जी महाराज हैं जो वृंदावन से चलकर अयोध्या आए हुए हैं, इनको राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें शामिल होंगे। अयोध्या से पीटीसी न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार।